कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पिछले करीब 14 दिन से दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं और उन्हें अभी भी होश नहीं आया है। वह अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। वही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजू का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि अभी उन्हें होश आने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। बता दें कि राजू की सेहत की सलामती के लिए देश भर में लोग दुआ कर रहे हैं और उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। आपको बता दें कि 10 अगस्त को जिम में ट्रेडमिल पर चलने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया था और उन्हें आनन फानन में एम्स में भर्ती कराया गया था, तभी से उन्हें होश नहीं आया। हालांकि बीच में खबर आई थी कि उनके हाथ पैर हिलने लगे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो शुक्रवार को राजू श्रीवास्तव ब्रेन में संक्रमण के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल 50% बढ़ गया था। हालांकि बाद इसे धीरे धीरे कम करके 10% कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि उनका ब्रेन ऑक्सीजन के सारे धीरे धीरे नई सेल्स बनाकर खुद को ठीक कर पाएगा। यह प्रोसेस काफी धीरे होती है, इसलिए अभी उन्हें होश आने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक अनजान शख्स राजू श्रीवास्तव के आईसीयू में घुस गया था और उनके साथ सेल्फी क्लिक करने लगा था। वहां मौजूद स्टाफ ने उससे सवाल जवाब भी किया था। इस घटना के बाद फैमिली काफी परेशान हो गई है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की थी। आपको न्यूज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।